वेलकम टू माय चैनल संगीताज क्रिएशन। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि हम घर पर ही 3D लाइनर कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमने 3D लाइनर कैसे बनाए हैं। सबसे पहले मैंने लिए हैं फैब्रिक कलर, फेविकोल और टैल्कम पाउडर। टैल्कम पाउडर को मैंने एक बॉक्स में निकाल लिया था, आप कोई सा भी पाउडर ले सकते हैं। मैंने एक चम्मच लिया टैल्कम पाउडर, उसके बाद मैंने लिया है एक चम्मच फेविकोल। इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। पानी नहीं डालना है, इसी तरह से मिक्स हो जाएगा धीरे धीरे करते करते। अगर ज़्यादा टाइट लग रहा हो तो थोड़ा सा फेविकोल डाल सकते हैं, पानी नहीं डालना है। हमें इसे तब तक मिक्स करना है जब तक ये बिल्कुल अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट नहीं बन जाए। जब तक इसे चलाते रहेंगे जब तक इसका फाइन पेस्ट नहीं बन जाए। ज़्यादा पतला नहीं करना है, अगर हम पेस्ट को ज़्यादा पतला करेंगे तो हमारी आउटलाइन फैल जाएगी और ज़्यादा पतली नहीं बनेगी। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा वाइट कलर का फैब्रिक कलर डाल लिया है। आप जो भी किसी भी कलर का लाइनर बनाना चाहें आप उसी कलर का वही कलर डाल सकते हैं। मैंने वाइट डाला है क्योंकि मुझे वाइट लाइनर बनाना है, तो मैंने इसमें वाइट कलर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। आप वाइट कलर बहुत जगह यूज होता है तो मैंने वाइट कलर का बनाया है, आप अपने मनचाहे कलर का बना सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसे एक कीप के अंदर डाल लिया है, जैसे मेहंदी की कीप बनाते हैं। आप मैं आपको बता रही हूँ कि आप कीप थोड़ा छोटी बनाएं, मेरी कीप बड़ी बन गई थी और जो सारा पेस्ट था वह ऊपर ही रह गया था। अगर हम कीप छोटी सी बनाएंगे तो बड़े आराम से पेस्ट डलेगा, मेरा सारा पेस्ट ऊपर ही चिपक गया था। तो कीप हमेशा छोटी बनानी चाहिए। उसके बाद मैंने इसे पेस्ट रबड़ लगा कर मैं डिज़ाइन बनाकर आपको दिखाती हूँ। इससे बहुत ही आराम से डिज़ाइन बन गया था और ये बहुत ही स्मूथ चल रहा था। आप जितना मोटा पतला का है चाहे उसी हिसाब से आप इसे कीप को काट सकते हैं। तो देखिए इससे कितना अच्छा लाइनिंग आ रही है। अगर हमें कभी भी हमारे पास ख़त्म हो जाए तो हम आराम से अपने घर पर बैठकर लाइनर बना सकते हैं और अपने मनचाहे कलर का मंगा सकते हैं। हमें अलग अलग तरह के कलर की लाइनर नहीं खरीदने पड़ेंगे, हम थोड़ा सा पेस्ट बनाकर किसी भी कलर का बना सकते हैं। तो देखिए ये कितने अच्छे तरह से चल रहा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिले। अगर आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टा ID है संगीताज क्रिएशन। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।